नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नजुबाद में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता शरीफ अहमद के निवास स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख बनने पर तपरा सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के काफी नेता मौजूद रहे। बताते चले, अभी कुछ दिन पहले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ब्लॉक प्रमुख तपरा सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी। ब्लॉक प्रमुख की शपथ लेने के बाद उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। उसी क्रम में आज नजीबाद के मोहल्ला कलालान निवासी शरीफ अहमद के आवास पर ब्लॉक प्रमुख तपरा सिंह का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख बने तपरा सिंह ने कहा कि उन्हें निस्वार्थ सभी लोगों के सहयोग और समर्थन मिला है, जिसे वह हमेशा याद रखेंगे। सभी लोगों ने सच्चाई का साथ दिया है, लोकतंत्र की जीत हुई है। भविष्य में वह गरीब मजलूम की आवाज़ को उठाने का कार्य करेंगे, हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए वह हर समय तैयार हैं। उनके कार्यकाल में जितने भी उचित और सही काम होंगे, वह हमेशा करने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा, यह जीत सच्चाई की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। इस मौके पर काफी संख्या में लोकदल नेता शरीफ अहमद के निवास स्थान पर मौजूद रहे। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। तपरा जी, नजीबाबाद के अंदर लोगों ने आपको बड़ा सहयोग किया है, निस्वार्थ लोग आपसे जुड़े हैं और वो बहुत उम्मीदें भी आपसे रखते हैं भविष्य में, तो उनकी उम्मीदों पर आप कितना खरा उतरेंगे और क्या आपकी कार्यशैली रहेगी भविष्य में, वो चंद सवाल जनता के हैं आपसे। वो हमारे माध्यम से लोग पूछ रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख जी जो बने हैं, एक बहुत टेढ़ी खीर थी, बहुत बड़ा संघर्ष था, वो अपने बहुत मुश्किल से इसे प्राप्त किया है पद को, उसके आगे क्या गरिमा रहेगी और क्या कार्य रहेंगे? चुनाव बहुत टाइट था, उस चुनाव में जन भावना मेरे साथ थी, या कहूँ कि सच के साथ थी, वो सब ने देखा है और लोगों ने जिस भावना के साथ मदद की है सच की। मैं अपने कार्यकाल में अपने स्तर से पूरी कोशिश करूँगा उन जन भावनाओं पे खरा उतरूँ। निर्माण कार्य होते आए हैं, मेरे समय भी होंगे, कोशिश करूँगा जहाँ उपयोगिता हो वहीं काम हो, पारदर्शिता हो उसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। कैसे बना सकते हैं उस पर विचार करने की ज़रूरत है। गरीब नीचे स्तर के लोगों को एक ब्लॉक प्रमुख से बड़ी उम्मीद होती हैं, छोटे मोटे उनके मामले रहते हैं, उनमें क्या उनकी आप मदद के लिए क्या? गरीब स्तर के लोग वो काम तहसील थाने तक होते हैं जी। सोमवार मंगल के दिन मैं ब्लॉक में सुबह शाम तक रहूँगा, बाकी दिन फ़ोन पर उपलब्ध रहूँगा। जो भी उनकी स्थानीय समस्याएँ होंगी उसे निपटाने का यथासंभव कोशिश करूँगा। आज नजीबाबाद में वरिष्ठ नेता शरीफ अहमद जी के निवास स्थान पर आपका स्वागत हुआ है, भव्य स्वागत किया है, नेताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नेताजी से हमारे 5 पुस्तकों के संबंध हैं। नेताजी एक सभ्य व्यक्ति हैं, जैसे लोग की आवश्यकता आज राजनीति में बहुत ज़्यादा है। जब तक ऐसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक आज की राजनीति में सुधार की गुंजाइश बहुत बनी रहेगी। भविष्य में किसी दल से आपका, अब जैसे आप निर्दलीय लड़े हैं, कुछ उम्मीद किसी दल के साथ रहने का? अभी मैं निर्दलीय हूँ, निर्दलीय जीता हूँ, बाकी जैसे मेरे समर्थक, मेरे सुचिंतक जिन्हें मैं जानता भी नहीं, वो उनकी जो भावनाएं होंगी, परमात्मा करे मेरे तक पहुँचे, उन्हीं के अनुसार काम करूँगा। अभी कोई विशेष किसी दल में जाने की कोई? अभी कोई किसी विशेष दल में जाने की कोई संभावना नहीं। धन्यवाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।